नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा .com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा के दिखा रहा हूं, सिरसा के ओटू हेड की तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां पे क्योंकि ओटू हेड एक ऐसा स्थान है जहां से कई रास्ते जो हैं सिरसा जाते हैं, डबवाली, एलनावाद, रानिया, जीवन नगर और मल्लिका भी जाता है यहाँ से रोड, तो सभी जो रोड है वो बंद कर दिए गए हैं। और एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सभी जो है जाम लगाया हुआ है, ट्रैक्टर ट्रालियों से जो है ओटू हेड पे किसानों ने जाम लगवाया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ओटू हेड की, और इसके साथ साथ दूसरी साइड जो है किसानों का जलसा भी चल रहा है, जहाँ पे किसान है क्योंकि आसपास के जो है हज़ारों की संख्या में जो किसान है वो यहाँ पे जुटे हुए हैं और जलसा चल रहा है किसानों का। और हमारे साथ कुछ किसान नेता हैं, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज भारत बंद का ऐलान है वो किया हुआ है, और इस भारत बंद के दौरान जो है 31 जगहों पर जो है रोड जाम किया हुआ है। इसके साथ साथ टोल प्लाजा है वो भी जाम है, और अलग अलग जगहों पर हमारे साथ किसान हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, ये जो जाम लगाया हुआ है जो यहाँ पे ओटू हेड पे लगाया हुआ है, किस तरह का ये रहेगा, कितने बजे तक रहने वाला है और क्या कहना चाहेंगे इसको? सर जी, ये जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज का भारत बंद की अपील की गई थी, उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर ओटू हेड पे किसान एकता मंच ओटू हेड, जो कि पूरे 26 गांव इर्द गिर्द के हैं, सभी किसानों ने इकट्ठे होकर यहाँ पर सुबह 6 बजे यहाँ पर जाम लगा दिया था, और शाम के 4 बजे तक पूर्ण रूप से यहाँ पर बंद रहेगा। एम्बुलेंस और इमरजेंसी सेवा को हम छूट दे रहे हैं। क्या लग रहा है, सरकार मान क्यों नहीं रही है, मोदी आपकी बात किसानों की सुन क्यों नहीं रहा है? हम मोदी की नहीं सुनेंगे, अगर वो हमारी नहीं सुनता हम नहीं सुनेंगे। उन्होंने 3 काले कानून बनाए हैं अध्यादेश के जरिए, हमने उन कानूनों को मानना ही नहीं है, चाहे कुछ ही हो जाए हमने मानना नहीं है, और मोदी को हमारी बात अंत में माननी ही पड़ेगी। हाँ जी, जब तक वो नहीं मानेगा किसान रुकेंगे नहीं, हम अपने घरों में नहीं बैठेंगे, हम आंदोलन करते रहेंगे चाहे हमें 2024 तक आंदोलन क्यों ना करना पड़े। लंबा पड़ाव हो गया किसानों का, 1 साल से करीब होने को है, तो क्या लग रहा है जिस तरह से, क्योंकि पंजाब और हरियाणा आज संयुक्त किसान मोर्चा ने जो आह्वान किया हुआ है, भारत बंद का असर है वो पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। हाँ जी, पूरा भारत, पूरा किसानों में आप खुद देख लो यहाँ पर कितना जोश है, एक ग्रामीण एरिया है, कितना जोश है किसानों में, पूरा जोश है। हमारे नेतागण जो हमारे किसान जथेबंदियाँ हैं, संयुक्त किसान मोर्चा है, जो आदेश करेगा हम उसी को फॉलो करेंगे, जितना लंबा मर्जी चले, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, किसान भी हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? ये जी, हमारा जो किसान मोर्चा ने कॉल दे रखी थी उसके तहत आज धरना लगाया गया है। ये जो काले, तीनों काले कानून है, ये कह तो रहे हैं भी किसानों के लिए लेके हैं, ये किसानों के लिए नहीं, ये किसानों का डेथ वारंट है, और ये अपने कॉरपोरेट के लिए लेके आए हैं, उन राजसिक अब कॉरपोरेट घरानों के लिए लेके आए हैं, इसमें किसान को कोई फायदा नहीं है जी। हाँ जी, तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो जबर और सबर की लड़ाई चल रही है सरकार और किसानों के बीच में, ये सरकार के जबर का और किसानों के सब्र का इम्तिहान है, और अंत में जीत हमेशा सब्र वालों की हुई है। हमेशा ही जो जालिम सरकार होती है उसकी हार ही हुई है, चाहे इतिहास को आप फरोल के देख लो। और अंत में इतना ही कहूँगा कि जीत किसानों की होगी। धन्यवाद। तो कब होगी किसानों की जीत? देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा, हम तो डटे खड़े 2024 तक बैठेंगे, 2030 तक बैठेंगे, कोई भी सरकार आए हम मौजूदा सरकार से ये बिल वापस करवा के ही अपने घरों में शांति से बैठेंगे। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें इस वक्त ओटू हेड की, जहाँ पे किसानों का एक साइड में जलसा चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ है जो है रोड जाम किया हुआ है, पूरी तरह से जो है रोड है वो बंद है। चाहे हम आपको बता दें कि इस ट्रैक्टर ट्राली लगा करके जो है वो रोड है उसको बंद कर दिया गया है। दूसरी साइड जो है लंगर का प्रबंध भी यहाँ पर किसानों ने किया हुआ है, लंगर भी चल रहा है, जो तमाम आसपास के जो किसान आ रहे हैं उनको यहाँ पर लंगर भी छकाया जा रहा है, और जो है इमरजेंसी सेवा वाले वाहन, यानी कि सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जिसमें एम्बुलेंस है या आपातकालीन जो गाड़ियां हैं वो हैं, इसके साथ शादी की गाड़ियां हैं, उनको जो है यहां पे निकाला जा रहा है, बाकी सभी को किसी भी तरह से यहां से निकाला नहीं जा रहा है। सीधे तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से ट्रैक्टर ट्राली लगा करके जो है इस रोड को बंद किया हुआ है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है।